जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर के उस घर को ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है जहां उनका जन्म हुआ था। यह घर नाजियों के लिए पूजनीय स्थल या केंद्र बिंदु ना बने, इसलिए ऑस्ट्रिया की सरकार ने इसे ध्वस्त करने का फैसला किया है। हिटलर के घर को लेकर कई वर्षों से कानूनी लड़ाई चल रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि इस इमारत की नींव बची रहेगी, लेकिन इसके ऊपर एक नई इमारत बनाई जाएगी। इस इमारत का इस्तेमाल या तो समाज सेवा के लिए या फिर स्थानीय प्रशासन के कामकाज के लिए हो सकता है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के नज़दीक बने इस घर ब्रनाउ एम इनकी निचली मंजिल कभी सराय हुआ करती थी और ऊपर की मंजिल पर हिटलर का परिवार किराए पर रहता था। इस इमारत में हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। नाजी शासन के दौरान इस घर को हिटलर का स्मारक बना दिया गया था जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे, लेकिन 1944 में नाजी शासन खत्म होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। सरकार हिटलर के घर को एक नए कानून के अनुसार उसके मालिक से जब्त कर सकती है। आपको बता दें कि 1918 में हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की थी। इस दल का मुख्य उद्देश्य था साम्यवादियों और यहूदियों से सारे अधिकार छीन लेना। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उनके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। हिटलर के घर को ध्वस्त करने के बाद ऑस्ट्रिया सरकार इस जगह का किस तरह उपयोग करती है, क्या इस जगह को समाज सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर यहाँ कोई सरकारी इमारत खड़ी होगी, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।